हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अगर आपको एक डिसेंट लेवल का पैकेज चाहिए हो या फिर एक बहुत ही अच्छे लेवल का पैकेज चाहिए तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से ऐसे एल्गोरिदम्स आपको आने चाहिए जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में भी वो डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर वो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। और जैसा कि हमें बताया कि ब्लॉकचेन खुद एक डेटाबेस है, तो कैसे एक डेटाबेस को हैंडल किया जाता है और उस हैंडल करने में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं और उसका एक रोड मैप दिया था जो कि आपको फॉलो करना होगा अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अगर मुझे जावा आती है या पाइथन आती है या फिर C++ आती है तो क्या मैं इसमें से एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकता हूँ क्या। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर के नॉलेज के साथ एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जा सकते हैं क्या। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ब्लॉकचेन की सबसे माइन्यूट चीज़ से हम शुरू करते हैं कि ब्लॉक में क्या क्या होता है। ब्लॉक में डेटा होता है, डेटा के साथ एक हैश वैल्यू होती है जो कि SHA-16 नाम के एल्गोरिदम से उस हैश वैल्यू को जनरेट किया जाता है और उस एक ब्लॉक के करस्पोंडिंग उसमें रखा जाता है। और एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है जो कि हमें आइट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जैसा कि यहाँ पर ही हमें पता चल रहा है कि एक ब्लॉक के अंदर ही, यानी कि सबसे माइन्यूट चीज़ जो ब्लॉकचेन के अंदर होती है वो उसका एक ब्लॉक ही होता है। और उस एक ब्लॉक को जनरेट करने के लिए भी हमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ता है और उसमें भी हमें SHA-16 नाम के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करना पड़ता है। और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ होती है सिर्फ एक ब्लॉक को बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको एक आती है या फिर आपको दो आती है या तीन आती है तो क्या आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब सबसे पहले बनी थी, स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन है, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब सबसे पहले बनी थी तो वो C++ पर ही बनी थी। बाद में उसका अपग्रेडेशन कर दिया गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो C++ भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत वास्टली IT इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। तो आप आइदर C++, जावा या फिर पाइथन को लेकर और डेटा स्ट्रक्चर का एक अच्छा नॉलेज लेकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं और वहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या एल्गोरिदम्स उसके आपको समझने होंगे, सीखने होंगे, जिससे कि आप एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकें। डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्लॉकचेन की बात आती है। ब्लॉकचेन भी एक डेटाबेस है और ब्लॉकचेन कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स है। तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि एक ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं और एक नोड के अंदर नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है और उसे भी हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं भी आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, और मैं आपको मेरे लैपटॉप पर ले चलता हूँ जिससे मैं आपको प्रूफ दिखा सकूँ कि वो डेटा स्ट्रक्चर सच में भी ब्लॉकचेन में यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है लिंक्ड लिस्ट। कोई ब्लॉकचेन नहीं है और ना ही लिंक्ड लिस्ट ब्लॉकचेन में यूज होने वाली है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट ब्लॉकचेन का एक रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन। इसे हमें सीखना नहीं है, सिर्फ हमें यह समझ आना चाहिए कि लिंक्ड लिस्ट बनी कैसे है और कैसे लिंक्ड लिस्ट काम करती है। और आप चाहे तो इस ब्लॉक के अंदर भी देख लीजिए कि ए ब्लॉकचेन इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन ब्लॉक्स दैट इज इनफाइनाइट एंड बैक लिंक्ड। इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट ब्लॉकचेन थॉरली यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में लिंक लिस्ट क्या है, उसके बाद ही आपको समझ आ पाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है और क्या ब्लॉकचेन है। मैंने आपसे यह भी पूछा था, ये मल्टीपल नोड्स है और एक नोड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस है तो उसे लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। और लिंक्ड लिस्ट इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्योंकि लिंक्ड लिस्ट एक ब्लॉकचेन का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। देख लीजिए, इसमें एक नोड है, एक नोड के अंदर डेटा रखा हुआ है। डेटा कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, और उसके साथ में एक एड्रेस है। ये एड्रेस इस नोड का एड्रेस है। और वैसे ही जैसे अगर आपको इस नोड से इस नोड पर जाना है तो इस एड्रेस के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं और इस एड्रेस के थ्रू आप इस नोड पर जा सकते हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल चेन बनी हुई है और एक के बाद एक नोड्स बने हुए हैं। और इसी तरह से हम ब्लॉकचेन को भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे ब्लॉकचेन बनी होगी या फिर कैसे ब्लॉकचेन वर्क करती है। देखिए, इसमें बताता हूँ आपको, ब्लॉकचेन कुछ इस तरह से, एक जेनेसिस ब्लॉक है जो स्टार्ट ब्लॉक जो कि सब ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक कहलाता है, और उस पहले ब्लॉक के बाद सेकंड ब्लॉक आता है। सेकंड ब्लॉक में एक हैश होता है इस और एक डेटा होता है, डेटा के साथ एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। उसी तरह यहाँ पर एक हैश होगा, यहाँ डेटा होगा और एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा। कुछ इस तरह से ये पूरी ब्लॉकचेन बनी हुई होती है और ऐसे ही ब्लॉकचेन वर्क करती है। फिर आता है हैश मैप।
अब हम बात कर लेते हैं हैश टेबल्स या फिर हैश मैप्स की। हैश मैप्स या फिर हैश टेबल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से हैश टेबल्स उसके डेटा को रखती हैं, किस तरह से है ब्लॉकचेन के अंदर हैश टेबल्स का यूज़ होता है और हैश टेबल का यूज़ करके किस तरह से डेटा को रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैश टेबल्स होती क्या है और कैसे हैश टेबल्स उनके डेटा को स्टोर करती है। हैश टेबल, हैश मैप्स और लिंक्ड हैश मैप्स ये सारे एक ही है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बाकी उन डिफरेंसेस में मैं अभी जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हैश मैप्स किस तरह से वर्क करते हैं। हैश मैप एक की ले लेता है, हैश मैप्स या हैश टेबल्स की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं और वो की से एक हैश वैल्यू बनाते हैं और हैश वैल्यू के थ्रू उस हैश वैल्यू के इंडेक्स पर उस वैल्यू को रखते हैं। और हैश मैप्स या फिर हैश टेबल्स इसीलिए हर जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। मतलब अगर आप इसमें इंसर्शन या फिर रिट्रीवल परफॉर्म करवाते हो तो ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ O1 में आपको डेटा को इंसर्ट करते हैं और डेटा को रिट्रीव करके देते हैं। तो इसी वजह से हैश मैप्स बहुत ज़्यादा फास्ट माने जाते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। और फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैश मैप या फिर हैश टेबल्स। तो इसी वजह से हैश टेबल्स ब्लॉकचेन में यूज़ की जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक इसके हैश के थ्रू इस पूरे के पूरे ब्लॉक को एक हैश टेबल में रखा जाता है। और उसी तरह से जितने भी ब्लॉक्स ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं उनके ब्लॉक के हैशेस के थ्रू उन्हें हैश टेबल्स में रखा जाता है और रिट्रीव करना हो तो उसी हैश के थ्रू उसे रिट्रीव किया जाता है। तो इसीलिए हैश मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैश टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। फिर आती है बहुत सारी ट्रीज। अब ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन के अंदर? अब अगर हम सभी चीज़ें स्टोर कर ही रहे हैं हैश टेबल्स के अंदर तो क्यों ट्रीज चाहिए? ट्रीज इसीलिए चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के अंदर है मर्कल ट्री के नाम से। और मर्कल ट्री एक ही काम करती है कि जो बहुत सारा डेटा होता है उसे एक सिंगल चीज़ में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन में रखवाती है। और यही तो ब्लॉकचेन को चाहिए, मर्कल ट्री। जैसे कि बहुत सारा डेटा इसके अंदर है और बहुत सारा डेटा इधर इस नोड के अंदर है, तो मर्कल ट्री क्या करती है, मर्कल ट्री इन सभी डेटा को हैश बनाती है, इस सभी डेटा का एक हैश बनाती है, उस हैश के थ्रू इस पूरे नोड को एक हैश टेबल के अंदर रखती है और इस पूरे नोड को हैश टेबल के अंदर रखेगी और दोनों के जो हैश होंगे उसका एक स्पेसिफिक हैश बनाएगी और इस नोड के अंदर रख लेगी। और इसी तरह से मर्कल ट्री काम करती है और जो कि बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। और इसी तरह के ट्रीज और इसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ब्लॉकचेन के अंदर चाहिए होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इफिशियंटली डेटा को स्टोर कर सकें। तो इसीलिए मर्कल ट्रीज यूज़ की जाती है यार। और जैसे कि बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री मैंने इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, एवीएल का फुल फॉर्म है एडिशन विंस्की एंड लैडी, और बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और बी प्लस ट्री, बी ट्री और रेड ब्लैक ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पढ़ने के लिए। सिर्फ बाइनरी ट्री और एवीएल ट्रीज पढ़ लीजिए आपका बहुत, और इसमें से एक ट्री इंप्लीमेंट करके देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा कि ट्रीज में इंसर्शन, सर्च और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है ग्राफ। ये जब ट्रीज और हैश टेबल जैसे डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जा रहे हैं तो ग्राफ क्यों चाहिए? ग्राफ आपको बहुत एक्सपर्ट लेवल पे आपको आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिगिनर लेवल पे ही ग्राफ यूज़ करने लग जाओ किसी ब्लॉकचेन कंपनी में, क्योंकि बेसिकली बिगिनर्स के साथ वो ग्राफ यूज़ नहीं करवाते। और ये जो ग्राफ का जो काम होता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर उन्हें स्टोर करवाने में यूज़ होता है जिससे बहुत जल्दी हम किसी एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन तक पहुँच सकें और उसका डेटा रिट्रीव कर सकें। तो अब अभी आपको अगर ये दिमाग में नहीं आ पा रहा है तो इसका बेसिक नॉलेज लेकर, ग्राफ्स का बेसिक नॉलेज लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं कि क्या ग्राफ्स होते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होती है, ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कैसे निकाली जाती है, दिजिक क्षेत्रा एल्गोरिदम्स, और ये सब एल्गोरिदम्स के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको ट्रीज और हैश टेबल्स आते हैं तो वो काफ़ी है। ग्राफ्स आप एक एक लेवल पर पहुंचने के बाद भी पढ़ सकते हैं एक ब्लॉकचेन कंपनी में, तो मैं ये अभी सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप चाहे तो ये बहुत अच्छा है, ग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें इंप्रूव ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस यूजिंग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर एंड पैरेलल माइनिंग, ये इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे आप इसे पढ़ सकें। और जल्द ही मैं भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें सिखाने वाला हूँ और उसके बहुत सारे कोर्सेज बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके कि किस तरह से आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। तो ये चारों चीज़ें अगर आपको आती है तो आप एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको खुद से इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और वहाँ पर आपको वो खुद से बनवाएंगे। तो जो कंपनी में आपको काम करवाया जाता है और खुद से आप जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वो जो भी करवाएंगे वो आपको करना होगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करते हैं। और आप अगर आपको कोई ऑलरेडी बिल्ड डेटा स्ट्रक्चर अगर कोई कंपनी में बताएंगे तो आप उसे समझ पाएंगे कि बैकएंड में क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको ये सभी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने की मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सभी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर समझ पाएंगे।